जन्माष्टमी व्रत की महिमा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को भक्तजन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में इस व्रत की महिमा के बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। धार्मिक शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत की महिमा का गुणगान किया गया है। इसे 1001 व्रत के बराबर माना जाता है। साथ ही यह व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र और पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं द्वारा व्रत रखे जाने को लेकर भविष्य पुराण में बताया गया है कि जो गर्भवती देवी जन्माष्टमी का व्रत करती हैं उनका गर्भ ठीक से पेट में रह सकता है और ठीक समय पर जन्म लेता है। ऐसा बताया जाता है कि इस दिन किया गया जप अनंत गुना फल देता है। उसमें भी जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करके जप ध्यान का विशेष महत्व है। अगर आप भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं तो पूरी रात जागरण करके भगवान श्री कृष्ण के भजन करने चाहिए। ऐसा करने से आपको जन्माष्टमी के व्रत का अनंत फल प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के व्रत की महिमा के बारे में भविष्य पुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता है। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके घर में गर्भपात नहीं होता और गर्भ में पल रहे शिशु को भगवान सुखी और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देते हैं। जन्माष्टमी का विधि विधान से व्रत करके अर्धरात्रि के बाद पूजा पाठ करवाना चाहिए। एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप नष्ट करने वाला अद्वित ईश्वरीय वरदान है, लेकिन एक जन्माष्टमी का व्रत है जो हजार एकादशी व्रत रखने के पुण्य के बराबर का है। अगर आप एकादशी के व्रत नहीं कर पाते हैं तो जन्माष्टमी का व्रत करके पुण्य कमा सकते हैं। एकादशी के दिन जो संयम होता है उससे भी कठिन संयम जन्माष्टमी के व्रत में रखना चाहिए। यह है जन्माष्टमी के व्रत की महिमा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।